hello and welcome to spmis academy today we'll analyze important newspaper articles of 23rd october 2024 please note you can download the pdf version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper the first article is about india and china have agreed for patrolling agreement along lac इस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर मारेबस इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक बार फिर से देखते हैं एल ए सी है क्या पहले भी हम कई दफा न्यूज पेपर एनालिस में देख चुके हैं सो एल ए सी डिमार्केट्स द टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाई चाइना एंड इंडिया तो हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे हिसाब से ये है बट ऑन ग्राउंड अभी पोजिशनिंग चाइनीज आर्मी की आर्मी की यहाँ पे है यहाँ तक तो मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि लद्दाख का भी अक्साई चेन वाला एरिया जो है वो चाइना ने इलीगली कर रखा है और अभी के लिए ग्राउंड पोजिशनिंग ये लाइन है जिसको कहा जाता है एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो इट्स अ डिमार्केशन दपरेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेट टेरिटोरी एंड चाइना कंट्रोल टेरिटरी और देखिए इसी भी डिमार्केशन को अगर इंटरनेशनल बॉर्डर कहा गया तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है टेरिटरी से रिलेटेड बट अगर उसको किसी और नाम से जाना जाए एल ओ सी एल ए सी इन सब नाम दिए जाए तो इसका मतलब समझिए कि, कि कुछ ना कुछ अभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं जिनको सेटल करना बाकी है तो इस डिमार्केशन को कहा जा रहा है एल ए सी बिकॉज द फाइनल सेटलमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमार्केशन एज इंटरनेशनल बॉर्डर इज ये भारत और चाइना के बीच में जो डिमार्केशन है टेरिटोरियल उसको हम लोग कहते हैं एल ए सी बिकॉज बोथ साइड आर ये अग्री एट द फाइनल टेरिटोरियल डिमार्केशन एंड कंक्लूड और इंटरनेशनल बॉर्डर अग्रीमेंट अभी के लिए डिमार्केशन का जो सेग्रीगेशन है उसको एल कहा जाता है जो लगभग तीन हजार है, विच कैन बी थाउजेंड फोर थ्री एट ईस्टर्न सेक्टर, ये वाला एरिया इसको मैकमोहन लाइन भी कहते हैं बिकॉज इट वॉज अग्रीड एज रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट बिटवीन द तिब्बत रिप्रेजेंटेटिव एंड ब्रिटिश इंडिया रेप्रेजेंटेटिव सर माकमोहन इन 1914 इसीलिए इस लाइन को माकमोहन लाइन नाम से भी जानते हैं तो ये है ईस्टर्न सेक्टर ऑफ एल ये रीजन है मिडिल ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम वाला भी रीजन आता है तो दिस इंटायर एरिया बिलोंग्स टू ईस्टर्न सेक्टर एंड देन दिस इज मिडिल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश वाला एरिया एल का तो मिडिल सेक्टर में कोई खास डिस्प्यूट है नहीं मेजर कोई डिस्प्यूट है नहीं डिस्प्यूट थोड़ा सा ईस्टर्न सेक्टर को लेकर के है चाइना डिस्प्यूट द लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन एंड देन ऑफ कोर्स जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख वाला एरिया उसमें तो डिस्प्यूट है ही है क्योंकि चाइना ने हमारा लद्दाख का रीजन अक्साई चेन पे इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है अगर एल देखा जाए तो एल एस सी इज नॉट अ प्रॉपर फाइन डिमार्केशन बिटवीन द टू साइड्स एल जो है वो एक वाइड एरिया छोड़ा हुआ है एम एरिया छोड़ा हुआ है टू साइड्स अबाउट 50 टू 100 किलोमीटर डिमार्केशन तो ये जो 50 टू 100 किलोमीटर का जो वाइड रीजन छोड़ा हुआ है बिटवीन द टू साइड्स दैट डिमार्केशन दैट सम्स बिकम्स द रीजन बिहाइंड कंफ्यूजन एंड कंफ्लिक बिटवीन द टू साइड्स इंडियन आर्मी एंड चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी आप ही सोचिए पचास किलोमीटर या सौ किलोमीटर का रीजन है जो अनकलेम्ड है दोनों साइड ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको छोड़ा हुआ है लीव किया हुआ है अब पेट्रोलिंग के टाइम में कभी कभार चाइना की आर्मी वो इस साइड में पेट्रोलिंग कर रही है इंडियन आर्मी दूसरे साइड में पेट्रोलिंग कर रही है तो बोथ डेवलप सस्पिशन अगेंस्ट इच अदर कि वन इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द टेरिटरी ऑफ अदर कंट्री बिकॉज ऑफ दिस नो प्रिसाइज़ डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन लीड एडमिनिस्टर्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड चाइना अगर ये एल ए सी ठीक है ये फाइनल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है बट फिर भी अगर ये एल ए सी प्रिसाइज डेमार्केशन होता तो इतने कन्फ्लिक्ट नहीं होते जितने अभी कन्फ्यूजन एंड कंफ्लिक होते हैं बिकॉज इट इज नॉट प्रिसाइज इट्स अ वास्ट स्वेथ ऑफ लैंड लेफ्ट एम टी बिटवीन द टू साइड्स लीडिंग टू कन्फ्यूजन एंड तो इस कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए ताकि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें अंटिल वी कंक्लूड द फाइनल बॉर्डर अग्रीमेंट सारे ट साइन हुए हैं डेटर माइनिंग द पेट्रोलिंग नॉर्म्स एंड ऑल जैसे एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन हुआ 1993 में बिटवीन द टू साइड्स, अग्रीमेंट ऑन मेंग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन लाइन विथ मेंटेनिंग पीस एट एल फिर टू में बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट इस अग्रीमेंट में दोनों साइड्स ने अग्री किया कि वी विल नॉट फॉलो और टेल ईच अदर्स पेट्रोल कि पता चला कि इंडियन आर्मी जो है यहां पे पेट्रोलिंग करे तो उसके पीछे पीछे टेल कर दिया उसको चाइनीज आर्मी ने इस तरीके से नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे और पेट्रोलिंग के टाइम में हम लोग फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी कि पेट्रोलिंग के टाइम में सिर्फ मकसद तो यही है ना कि जाकर के हम देखें दूसरे साइड ने कहीं इलीगल एक्विजिशन तो नहीं कर लिया तो पेट्रोलिंग के टाइम में हम लोग वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे इनफैक्ट वेपन्स को लेकर के भी हम पेट्रोलिंग नहीं करेंगे विदाउट वेपन पेट्रोलिंग होगी ये मोरस अग्री हुआ इन 2013 बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट ताकि कोई कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन से बचा जा सके वाइल पेट्रोलिंग बिटवीन द टू साइड्स एट एल पट हुआ क्या साल 2020 में आप मई महीने में अलग अलग जगहों पे ये जो कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अब तो उसको सेग्रीगेट कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर इज यूनियन टेरिटरी लद्दाख इज अनदर यूनियन टेरिटरी तो आप कह सकते हैं लद्दाख के अंदर ये जो एलएसी है यहां पे अलग अलग जगहों पे दोनों साइड्स के बीच में थोड़ी सी कंफ्रंटेशन शुरू हुई कभी पेंकोंग लेक रीजन में फिर कभी हॉट स्प्रिंग रीजन में एक मेजर कंफ्लिक्ट हुआ यहाँ पे गलवान वैली में जहाँ पे दोनों साइड्स की आर्मी जो है आमने सामने आ गई थे स्टार्टेड कन्फ्रंटिंग ईच अदर और पेट्रोलिंग के दौरान वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे ये तो 2013 के ही बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में तय हो गया था तो दोनों साइड्स आमने सामने, सामने आई वेपन्स थे नहीं बट फिर भी एक दूसरे से वो घिर गए डाउटिंग ईच अदर और लाठी से पत्थरों से लड़ाई हो गई उसमें ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स वे आर मार्टायर्ड सम चाइनीज सोल्जर्स वे आल्सो किल्ड तो गलवान वैली इंसिडेंट जो हुआ मई जून महीने में इन 2020 ट्वेंटी उसके बाद से ये जो बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट के अंदर जो भी अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों ने डेवलप की थी विद रिस्पेक्ट टू तो पेट्रोलिंग एट द एल रीजन वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नलीफाई हो गई उसका कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं दोनों साइड्स ने हेवी अपने आर्मी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी इन द एल रीजन इधर से भारत अपनी आर्मी मोबिलाइजेशन इन द एल रीजन करना शुरू कर दिया उधर से चाइना ने भी करना शुरू कर दिया आर्मी मोबिलाइजेशन इन द एल रीजन

जिसकी मदद से नाउ वी विल गो बैक टू द अरेंजमेंट दैट एग्जिस्टेड बिफोर दिस गलवान वैली कंफ्लिक्ट अगेन द विल बी टर्न विदाउट विद एमेस और दोनों साइड अपने अपने जो आर्मी के डिप्लॉयमेंट है इन द रीजन उसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे बट अभी भी द टू साइड्स आर फार अवे फ्रॉम अराइविंग एट ए फाइनल टेरिटोरियल अग्रीमेंट एंड कन्वर्ट एल ए सी इन टू इंटरनेशनल बॉर्डर तो इंटरनेशनल बॉर्डर फाइनलाइज करने के लिए भी कई सारे एरियाज में डिस्प्यूट को रिजोल्व करना बाकी है बट चलिए इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप अगेन बिटवीन इंडिया एंड चाइना विथ रिस्पेक्ट टू देयर टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट दैट हैड वाइडेंड सिंस 2020 गलवान वैली इंसिडेंट तो ये जो मैपिंग हमने देखी है लद्दाख रीजन में इंपॉर्टेंट सिटीज की उसके बेसिस पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट सिटीज हैं उन मैपिंग के बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिया है राइट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एग्जाम में याद रखें ये मैप आपको देख करके सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है दिमाग में रखना है तो एक बार सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को ध्यान से देख लीजिए कि पैंगोंग लेक कहाँ है हॉट स्प्रिंग कहाँ है गलवान वैली कहाँ है ये है चीन रीजन ये है एल ए सी उसके अलावा कारगिल श्रीनगर ले जम्मू ये सिटीज नॉर्थ से साउथ साउथ से नॉर्थ कैसे अरेंज हो रहे हैं ये सब देख लीजिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं में ऐसा ही एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रखा है यहाँ पे अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सी This topic is important from our syllabus, GS paper 3, environment point of view. This highlights the important agreements that have been finalized by world countries with respect to environment protection and climate change. One of the earliest agreement in direction of environment protection. Yeah, you may say the earliest conference. डायरेक्शन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वॉज हेल्ड इन नाइनटीन सेवेंटी टू एट स्टॉक होम इसको कहा गया स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस यू एन ई पी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम वॉज फॉर्मड आउट ऑफ दिस सबसे दुनिया का मेजर इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो पहली बार बुलाया गया वो था नाइनटीन सेवेंटी टू में स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस और उसके अलावा एक बार बाकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे नजर आप दोहरा लेंगे बट 1972 के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड प्रिवेंटिंग क्लाइमेट चेंज वो था 1992 में रियो अर्थ समिट इन रियो डी जेनारियो ब्राजील यहां पे तीन मेजर अग्रीमेंट्स साइन हुए इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिनको कहा जाता है कन्वेंशन थ्री इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वेयर फाइनलाइज्ड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से नेगोशिएट करने के लिए इनको डील करने के लिए ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाया गया यूएनएफसीसीसी यूएनसीबीडी

फाइनलाइज हुए आट रियो अर्थ सबमिट इन 1992 इन कन्वेंशन के अंतर्गत तय किया गया कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाई जाएंगी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब जो मेंबर सिग्नेटरी कंट्रीज हैं वो हर कुछ दिनों पे आपस में मिलेंगे ताकि बदलते सिचुएशन के हिसाब से नए नए फैसले लिए जा सके जैसे यू एन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है हर साल एनुअल होती है जहाँ पे मेंबर कंट्रीज मिलते हैं और फिर इम्पोर्टेंट मुद्दों पे क्लाइमेट चेंज से संबंधित फैसले लेते हैं इसी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर ट्वेंटी वन हुआ था जिसमें पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ जिसके अंतर्गत फिर मेंबर कंट्रीज ने कमिट किया कि वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए अपने लेवल पे कमिटमेंट्स करेंगे कि कितना वो अपने अपने कंट्री लेवल पे ग्रीन हाउस गैसेस को कट डाउन कर सकते हैं जिसको कहा गया इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन भारत के केस में फाइव प्रिंसिपल्स इंडिया हैज अडॉप्टेड या कमिटेड इन ऑर्डर टू कट डाउन ग्रीन हाउस जिसको कहा जाता है पंचामृत स्ट्रेटेजी इन इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर वर्ल्ड कंट्रीज जो इनके मेंबर हैं वो कुछ कुछ टाइम पे आपस में मिलते हैं और उस मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी तो यू की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हर साल होती है की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दो साल में एक बार होती है पिछले बार जब ये मैंने टॉपिक कराया था महीने पहले न्यूजपेपर तो कंफ्यूजन हो गया था यूएनएफ सीसी तो में होता है बट ध्यान से सुनिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दोनों में ही होता है इसमें भी होता है इयरली होता है लेकिन होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बाई एनुअल तो लास्ट वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी वो हुई थी इन पार्टली इन कनमिंग चाइना एंड पार्टली इन मॉन्ट्रियाल और इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें जो इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था उसको कहा जाता है कुनमिंग मोन्ट्रियाल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो हमने आखिरी एक डेढ़ महीने पहले भी न्यूज पेपरिस में डिस्कस किया ही था इसमें थर्टी बाय थर्टी टारगेट अडॉप्ट किया गया था इस 30 बाय 30 टारगेट के अंदर वर्ल्ड कंट्रीज ऑफ सीबीडी हार्ड अग्रीड कि 30 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड ओशन विल बी रिक्लेम्ड जो डीजेनरेट हो चुके हैं एरिया लैंड में या ओशन में उनको वापस से रिक्लेम किया जाएगा बाई ट्वेंटी उसके अलावा द डेवलप कंट्रीज है डॉलर पर ईयर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज एज फार एज देयर सिटी प्रोग्राम इज कंसर्न तो हर साल 200 बिलियन डॉलर देंगे डेवलप्ड कंट्रीज साल 2030 के बाद से टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड एल ताकि ये डेवलपिंग और एल कंट्री अपने अपने देशों में फिर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन कर पाए उसके अलावा एट क्यूनमिंग मोन्ट्रियाल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क अग्रीड इन द लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सी नंबर ऑफ

ज बिन कॉल्ड इन काली कोलंबिया तो प्रम्स में तो सीधा सीधा यही पूछ लेगा कि हाल फिलहाल में जो सिक्सटीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कराई गई ऑफ यू एन सी बी डी वो कहाँ कराई गई क्वालि कोलम्बिया यहाँ पे क्या मेजर फैसला लिया गया तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी एक्सटीन वॉज टू एक्सपेडाइड द प्रोग्रेस ऑफ थर्टी इन टू थर्टी टारगेट की टारगेट में को अचीव करने के लिए क्या एक्शन लिए जा रहे हैं उस पर चर्चा हुई साथ ही साथ इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मेंबर कंट्रीज को कहा गया है कि वो अपना खुद का एक्शन प्लान सबमिट करें एट यूएनसीबीडी अपने अपने लेवल पे वो क्या कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दिस थर्टी बाई थर्टी टारगेट और अपने अपने लेवल पे जो मेंबर कंट्रीज अपना कंट्रीब्यूशन प्रपोज करेंगे उसको एट यूएनसीबीडी कहा जाएगा नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान एनबीएसएपी दिस एनबीएसएपी इज वेरी मच सिमिलर टू आईएनडीसी इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एट यूएनएफसीसीसी तो जैसे यूएनएफसीसीसी में वर्ल्ड कंट्रीज अपने अपने लेवल पे क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए उनको आईएनडीसी सबमिट करना है यूएनसीबीडी में 30 बाय 30 टारगेट को अटेन करने के लिए, क्या -क्या कर सकते हैं? उसके लिए उनको एनबीएसएपी नेशनल स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान सबमिट करना है अनफॉर्चुनेटली ओनली थर्टी कंट्रीज आउट ऑफ वन नाइनटी हैव सबमिटेड देयर एपी सो फार द डेटा दैट यू सी हियर वुड बी यूजफुल इन

फिर इसको प्रलिम्स क्रैश कोर्स के दौरान तो देखना ही होगा एक बार अभी देख लेते हैं फिर क्रैश कोर्स के रिवीजन के दौरान भी देखेंगे कन्वेंशन ऑफ बायोडावर्सिटी जो यू एन है इसके अंतर्गत हर दो साल पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन जो होते हैं वो तो ब्रॉडर अग्रीमेंट्स होते हैं उन कन्वेंशन के अंतर्गत विदिन दोज कन्वेंशन Some specific ऑब्जेक्टिव अग्रीमेंट आर फाइनलाइज जिनको कहा जाता है प्रोटोकॉल तो कन्वेंशन आर ब्रॉडर अग्रीमेंट विद इन दस प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल फाइनलाइज किए गए हैं जिनका नाम आपको याद रखना ही रखना है एक है कार्टीजीना प्रोटोकॉल कार्टीजीना प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड इन ईयर टू थाउजेंड एंड ब्रॉड इन टू फोर्स इन टू थाउजेंड थ्री कार्टीजीना प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके यूज को रेगुलेट करने की बात की गई है देखिए जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जी एम ओ शॉर्ट में उनको कहें तो दे कैन बी डेंजरस टू द बायोडाइवर्सिटी दे कैन हैव निगेटिव इंपैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है डाइवर्सिटी इन लाइफ बायो मतलब होता है लाइफ डाइवर्सिटी मतलब रिचनेस तो रिचनेस इन लाइफ

ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फार्मर्स विल यूज ओनली द जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स जिसको हम लोग कहते हैं बी टी कॉटन तो विथ टाइम द नेचुरल कॉटन क्रॉप्स वुड बी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड नो वन वुड बी ग्रोइंग नेचुरल कॉटन क्रॉप्स एवरी वन वु बी ग्रोइंग जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप ओनली जिसका नाम है बी टी कॉटन तो इससे बायोडाइवर्सिटी रिचनेस इन लाइफ कम होगी कि नहीं होगी क्योंकि नेचुरल कॉटन क्रॉप्स अब ग्रो ही नहीं किए जा रहे हैं ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी कम होना रिचनेस इन लाइफ कम होना कैन बी डेंजरस अगर कोई नया मान लीजिए वायरस स्ट्रेन चला और बायोडाइवर्सिटी कम हो रखी है मान लीजिए पूरे दुनिया भर के लोगों की जेनेटिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक सी है डीएनए बिल्कुल एक सी है और कोई ऐसा वायरस चला जो इस तरह के डीएनए के लोगों पे ज्यादा असर कर रहा है तब तो सारे लोग मर जाएंगे वैसे ही अगर बायोडाइवर्सिटी में यूनिफॉर्मिटी आने लगी होमोजेनिटी आने लगी हेट्रोजेनिटी कम होने लगी डाइवर्सिटी कम होने लगी तो फिर इन लॉन्ग रन इट कैन बी वेरी डेंजरस तो मैं फिर से कह रहा हूं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से थोड़े से बदलाव किए जाते हैं इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को बायोडाइवर्सिटी के ऊपर एक खतरे की तरह देखा जाता है क्योंकि कहीं ये इनकी ओवरऑल प्रीडोमिनेंस बढ़ ना जाए और जो नेचुरल जो आउटकम या नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिर अवेलेबिलिटी कम ना हो जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज अड टू बायोडाइवर्सिटी तो इसी कारण से ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में एक प्रोटोकॉल अग्री किया गया है कार्टीजीना प्रोटोकॉल जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बैन तो नहीं लगाया गया है बट रेगुलेशन जरूर लगाया गया है इट टॉक्स अबाउट रेगुलेटेड यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसके अलावा एक है नगोया प्रोटोकॉल दिस नगोया प्रोटोकॉल वॉज अग्रीड एट यू एन सी बी डी इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर टेन इस नकोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत आईची टारगेट्स अडॉप्ट किए गए थे आईची टारगेट्स वेर 20 बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टारगेट्स टू बी अटेंड इन 10 इयर्स फ्रॉम 2010 थाउजेंड टेन टू टू ये आईची जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं 20 बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स दे कुड बी सेग्रीगेटेड अंडर फाइव मेजर ग्रुप्स मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी reduce pressure on biodiversity safeguard ecosystem increase benefits of biodiversity participatory approach and knowledge build मेरी बात को ध्यान से सुनिए अभी आईची टारगेट्स चुकी अब तो लैप्स भी हो चुका है ये 2010 से 2020 तक था और ज्यादातर टारगेट्स अचीव भी नहीं हुए हैं तो इसलिए आईची टारगेट्स में टोटल 20 टारगेट्स क्या-क्या कह रहे हैं ये रटने की जरूरत नहीं है एक बार बस आप देख लीजिए लेकिन हां इतना जरूर याद रखिए कि आईटी टारगेट्स बिलोंग टू नगोया प्रोटोकॉल विच बिलोंग्स टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकता है में पूछ ले अच्छा नगोया प्रोटोकॉल ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की भी बात की गई है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल नॉलेज तो एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ जेनेटिक ये क्या मामला है देखिए जैसे ट्राइबल्स को पता होता है कि मान लीजिए नीम के पत्ते से अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन को डील किया जा सकता है तो ये उनका हो गया ट्राइबल ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द जेनेटिक रिसोर्स ऑफ नीम तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज हैं लोकल ट्राइब्स के इनका इस्तेमाल करना है इस पर बैन नहीं है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ लोकल ट्राइब्स कैन बी यूज बट द यूजर्स अलग अलग कंपनियां जो हैं वो जो प्रोडक्ट बना लेती हैं जैसे मान लीजिए पतंजलि हो गया तो वो उस ट्राइबल नॉलेज ट्राइबल ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करेगी बट ओनली आफ्टर देयर इन्फॉर्म्ड कंसेंट उनको बता करके कि हम आपके इस नॉलेज का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी बेनिफिट होगा उस नॉलेज का इस्तेमाल करने से जो कॉमर्शियल बेनिफिट होगा वो कॉमर्शियल बेनिफिट भी उस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ शेयर करना है दैट इज द सेकेंड प्रोविजन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज हेल्ड बाई मेनली द लोकल ट्राइब्स दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो डिस्कशन हमने किया है इस इसमें साल ने साल 2022 में ये प्रिलिम्स में प्रश्न पूछा था प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फोर्थ न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दिस टॉपिक इज इंपोर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी पेपर थ्री डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले समझते हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होते क्या है सबमरीन तो आप समझते हैं नेवल सिप्स जो पानी के नीचे वॉटर सरफेस रह सकता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनको हम लोग कहते हैं सबमरीन अब उन सबमरीन के ऊपर अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंस्टॉल किया जा सके तो उनको कहा जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और ये सब मरीन अगर न्यूक्लियर पावर्ड हो यानी कि उनको ऑपरेट करने के लिए अगर न्यूक्लियर एनर्जी का अगर इस्तेमाल किया जा सकता हो तो फिर ऐसे सबमरीन को कहा जाएगा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और भारत के पास अब टोटल चार न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो गए हैं दैट इज न्यूज तो बेसिकली ये सबमरीन कैसा है कि इसमें जो इसकी एनर्जी आ रही है पावर जो आ रही है फॉर ऑपरेटिंग दिस दैट न्यूक्लियर पावर और इसके ऊपर मिसाइल्स भी इंस्टॉल किए गए हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं और उन मिसाइल्स के ऊपर जो वॉर हेड है यानी कि जो एक्सप्लोसिव है वो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव हो सकता है तो न्यूक्लियर पावर्ड है एंड न्यूक्लियर कैपेबल ये सबमरीन है न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब इसके ऊपर जो मिसाइल इंडक्ट किए गए हैं बैलिस्टिक मिसाइल उस उसपे न्यूक्लियर वॉर हेड का इस्तेमाल किया जा सकता है न्यूक्लियर वॉर हेड मतलब न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव सतम न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर हेडेड बैलिस्टिक मिसाइल ये इस तरह के जो सबमरीन्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज मिलिट्री एसेट्स जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यूएस रसिया चाइना यूके फ्रांस और उसके अलावा भारत के पास है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का क्या फायदा होता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि दे कैन रिमेन सबर्ज बीनीथ द वॉटर फॉर ए वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द नीड टू सरफेस द वॉटर फॉर फ्यूलिंग एंड अदर परपेस तो न्यूक्लियर पावर होने से दो फायदे हैं बेसिकली एक तो बहुत ही वो साइलेंट हो जाता है आवाज कम आती है तो उसको डिटेक्ट कर पाना कठिन हो जाता है फॉर एनिमी और दूसरा वो फिर लंबे समय तक वॉटर रह सकता है दैट इज द बेनिफिट ऑफ न्यूक्लियर पावर सबमरी और उसके ऊपर फिर न्यूक्लियर वॉर हेड लगा दिया गया विथ हेल्प ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स तो डबल इंपैक्टफुल हो गया दैट मेक्स इंपॉर्टेंट दसेट्स मिलिट्री असेट भारत के पास अगर बात की जाए तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है टोटल चार अब जो बिल्कुल पहला है वो है आईएनएस एन चक्र इसका कोड नेम है एस वन बट ये इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं है इसको भारत ने रसिया से लीज पे लिया था रसिया में इसका नाम अकुला क्लास हुआ करता था भारत में जब हम लोग लेकर के आए थे उसका तो नाम रख दिया आई एन एस चक्र इट इज न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन फिर दूसरा जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है वो है आईएनएस अरिहंत कोड नेम एस2 ये है ओवरऑल दूसरा बट भारत में डेवलप किया हुआ इंडिजीनियसली डेवलप्ड ये पहला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है आईएनएस अरिहंत फिर तीसरा लाया गया आईएनएस अरिघात कोड नेम एस3 इसको इसी साल अगस्त 2024 में नेवी में इंडक्ट किया गया था और अब करंट न्यूज़ ये है कि फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है जिसका नाम है आई एन एस अरिधमान एस फोर ये जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि दे हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड एंड विच मेक्स न्यूक्लियर डेटरेंस क्रेडिबल तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर ट्राइड एन न्यूक्लियर डेटरेंस वैसे इसको भी हमने दो तीन महीने पहले देखा ही था देखिए मैं पहले समझा देता हूं आराम से भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन शक्तिमेंट नाइनटीन एक्सपेरिमेंट्स 1998 बट भारत अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर स्टेट प्रोजेक्ट करने के लिए अमंग्स द वर्ल्ड कंट्रीज हमने अडॉप्ट किया है हमारी न्यूक्लियर डॉक्टरीन यानी कि कैसे हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या हमारा फिलोसफी है न्यूक्लियर वेपन को लेकर के वो मैनिफेस्ट किया गया न्यूक्लियर डॉक्टरीन में और न्यूक्लियर डॉक्टरिन में इंडिया का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है नो फर्स्ट यूज कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किसी भी देश के ऊपर नहीं करेंगे बट हां मैसिव रिटालियशन अगर किसी ने हमारे ऊपर अटैक किया हम मैसिव तरीके से काउंटर अटैक करेंगे नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटालियशन तो इससे साफ साफ ये झलकता है कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं नॉट टू थ्रेटन एनी कंट्री बट जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस बट मैसिव रिटालियशन है इन केस ऑफ अटैक बाय सम अदर कंट्री दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए डेटरेंस फॉर अदर एनिमी कंट्रीज फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इंडिया डेटरेंस मतलब

बिकॉज ऑफ मैसिव रिटालियशन पॉलिसी वो तो तभी क्रेडिबल होगा ट्रस्ट वर्दी होगा दुश्मन तभी घबराएगा जब हमारे पास जमीन से हवाई मार्ग से यानी कि आसमान से और सी से तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन अटैक करने की कैपेबिलिटी हो कि अगर मान लीजिए लैंड बेस्ड न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर दुश्मन ने अटैक कर दिया तो हम लोग एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से अटैक करें अगर एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी अटैक नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ द एनिमी तो फिर सी बेस्ड प्लेटफॉर्म से अटैक करें तो न्यूक्लियर ट्राइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवेबिलिटी कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो मान लीजिए लैंड बेस्ड न्यूक्लियर सिस्टम अगर डिस्ट्रॉय हुआ तो कम से कम एयर बेस्ड एंड सी बेस्ड मेंटेन रहे एंड सेकेंड टू क्रिएट डेटरेंस कि अगर तुम कहीं भी अटैक करोगे तो हम वापस से

स बट डेटरेंस इज पॉसिबल ओनली वेन एंड इट इज पावरफुल और कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर पावर्ड बीस मजबूत लैंड बेस्ड हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल कई सारे हैं पृथ्वी अग्नि तो न्यूक्लियर वॉर हेड को यह कैरी कर सकते हैं पृथ्वी अग्नि एंड ऑल एयर बेस्ड हमारे पास ये फाइटर जेट्स हैं सुखोई मिराज हु कैन कैरी

जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आप इसको आराम से डील कर सकते हैं द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस मारेबस इंडियन इकॉमी पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई ने प्रेजेंट किया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इज वन ऑफ द टू इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इट इज वन ऑफ द टू ब्रिटेन वुड क्वींस आई ने अपने रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि इंडियन इज गोइंग टू ग्रो एट सेवन परसेंट फाइनेंशियल इंटी ट्वेंटी बट जो ग्रोथ है वो धीरे, धीरे कम हो रहा है धीरे धीरे ग्रोथ कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि जो डिमांड एक्मलेट हो गया था ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम अक्यूमलेटेड डिमांड का मतलब कि पैंडेमिक टाइम में लोगों ने बाइंग चीजों का खरीदना काफी कम कर दिया था तो द डिमांड हैंग ड्यूरिंग द डार्ट टाइम तो फिर जब पैंडेमिक का इंपैक्ट खत्म हुआ तो धीरे धीरे लोगों ने अपने डिमांड को वापस से रिवाइव किए तो उस कारण से इकोनॉमी में बूस्ट देखा गया था बट दैट अक्यूमुलेटेड डिमांड ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज नाउ एग्जॉस्टेड एंड दैट इज वाई अगेन अगेन दैट इज वाई द इज डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है प्लीजेंट आंसर इन द कमेंट सेक्शन इंडियन वर्जन ऑफ इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है स्टेट डू इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटीज बट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इट ड्रेक सबमिट को लेकर जब यह सवाल आया था यूपीएससी में तब तो पहला स्टेटमेंट गलत था बट दूसरा सही था बट नाउ इवन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग राइट बिकॉज नॉफ फाइव मोर कंट्रीज हेव ज्वाइंट ब्रिक्स इंडियन रेलवे में जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो टोटल रेवेन्यू और उस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस के बीच का रेशियो है थैंक्स फॉर वॉचिंग